दोस्तों छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लिए दोस्तों, तो आपको कोई ठेकेदार नहीं ठग पाएगा। या फिर आप मिस्त्री बाय हैं और आपको लिल्टर टाइबिम का मापी नहीं आता है, तो वीडियो देख लीजिए, आपको मापी मापना आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और आप सबों को अशोक हाउस कंट्रेक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं लिल्टर मापी से, ठीक है। देखिए लिल्टर जो होता है दोस्तों, ज़्यादातर घर में उसका साइज 9 इंच चौड़ा होता है दोस्तों और 6 इंच मोटा होता है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको इस तरह से मापी लेंगे, जैसे कि चौड़ाई 9 इंच और मोटाई 6 इंच, ठीक है। तो इसको पहले हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए हमें जोड़ना इस तरह से है, 9 इंच आपका चौड़ाई और 6 इंच मोटाई। 6 इंच मोटा है तो दो साइड मेरा पट्टा लग रहा है 6-6 इंच का दोस्तों, तो हम 1 फिट जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। 9 इंच प्लस 6 इंच फिर प्लस 6 इंच, कितना हो गया दोस्तों, 6 इंच 6 इंच 1 फिट हो गया और 9 इंच इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, टोटल हो जाता है मेरा 21 इंच, ठीक है। 21 इंच हो जा रहा है। तो दोस्तों 21 इंच यानी कि आपके इसमें अगर 3 इंच आपका घट रहा है 2 फिट के लिए, यानी कि 2.5 फिट हुआ दोस्तों, ठीक है, 2.5 फिट। तो इसको हम जोड़ेंगे, देखिए सपोज कीजिए आपका दीवार जितना है दोस्तों, आपका दीवार जितना लंबाई हो रहा है, पहले आप लंबाई जोड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद हमको गुना करना है। देखिए सपोज हम आपको समझा रहे हैं, 2.5 फिट होता है मेरा जो लीटर का जो मोटाई होता है दोस्तों, 1 फिट मतलब कि 6-6 इंच 1 फिट हो गया और 9 इंच 22 इंच हुआ, सॉरी 21 इंच हुआ, तो 2.5 फिट हुआ दोस्तों। तो 2.5 फिट हुआ दोस्तों, तो इसको हमको गुना करना है दोस्तों, जितना मेरा दीवार का एरिया है पहले लंबाई नाप लेंगे और उससे हमको गुना करना है। सपोज कीजिए कि मेरा 10 फिट का दीवार है, ठीक है, तो उसको हमको गुना करना है कितना से दोस्तों, उसको हम गुना करेंगे 1.75, यानी कि 10 फिट से 2.5 फिट को गुना करना है। तो दोस्तों मेरा आता है कितना, 7.5, यानी कि 17.5 फिट, आप इसे 17 फिट 6 इंच भी कह सकते हैं दोस्तों। ये तो सिंपल सी फंडा थी दोस्तों लिल्टन के बारे में। अब हम दोस्तों बात करेंगे टाई बीम के बारे में। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं केवल टाई बीम और लिल्टर का मापी के बारे में दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर छत का मापी के बारे में जानकारी लेना हो या फिर छज्जे का मापी के बारे में जानकारी लेना हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, हम अब बात करते हैं टाई बीम के बारे में दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों टाई बीम मेरा होता है अधिकतर 9 इंच का, ठीक है, मेरा दीवार तो होता है 9 इंच का और साइड साइड में भी हम लोग अधिकतर नापी करते हैं दोस्तों 9 इंच का, ठीक है। तो हम तीनों को फिर जोड़ेंगे दोस्तों उसी तरह बिल्कुल, ठीक है। तो 9 × 3 = 27, ठीक है दोस्तों, 9 + 9 + 9, ठीक है, तीनों तरफ से हम जोड़ लिए दोस्तों 9, यानी कि 9 × 3 = 27 होता है दोस्तों 27 इंच, यानी कि दोस्तों 2 फिट 3 इंच, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे कितना दोस्तों, 2.25 फिट, ठीक है, आप इसे अपने इंडियन भाषा में 2.25 फिट कर सकते हैं। तो हमको दोस्तों 2.25 फिट को गुना करना है किससे, देखिए दोस्तों आप मान के चलिए सपोज फिर 10 फिट का ही दीवार लेता हूँ दोस्तों, चाहे आपका दीवार जितना भी हो आप उसके हिसाब से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मेरा दीवार है 10 फिट सपोज के लिए, ठीक है, आपका दीवार जितना है आप उससे आप जोड़ के इससे गुना कीजिएगा, आप कितना से गुना करना है दोस्तों, हम मेरा हुआ 2.25 फिट, यानी कि 2.25 है ना, यानी कि 2.25 आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्तों 10 फीट का दीवार है, अब 10 फीट को हम गुना करेंगे दोस्तों 2.25, ठीक है, यानी कि 2.25 से। तो दोस्तों मेरा स्क्वायर फीट कितना आ जा रहा है टोटल, आप देख सकते हैं दोस्तों 22.5 फीट, यानी कि इसे आप 22.5 फीट कर सकते हो दोस्तों। तो ये रह गई दोस्तों, आपको मैंने समझा दिया बहुत ही सरल भाषा से आपको कि आपको किस तरह से टाई बीम का मापी लेना है, या फिर कहने का मतलब है कि लिल्टर का मापी लेना है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।